नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का एक और छोटे से वीडियो में। यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का आया है अपडेट पीएचडी इंटरव्यू प्लस काउंसलिंग को लेकर। यदि आपने भी एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जो फॉर्म निकले थे, जो कि 31 अगस्त 2021 तक भरे गए हैं, और आपने अप्लाई किया है और आप वेट कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू कब होगा, तो उसी को लेकर आई है छोटी सी सूचनाएं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यदि आपने किया है अप्लाई तो देख लीजिएगा वीडियो को। और एक छोटी सी अपील है कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करूँगा उसी को लेकर सवाल कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो सूचना नहीं दूंगा आपको उसको लेकर सवाल मत कीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी सूचना आपको दूंगा उसका आधार या सोर्स है विश्वविद्यालय की वेबसाइट, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वेबसाइट को ज़रूर आप रीड ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो पहली सूचना है उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, और ऐसे कैंडिडेट जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। जेआरएफ क्वालिफाई हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, और इसके अलावा यदि ऐसे कैंडिडेट जो किसी सर्विस में है, टीचिंग सर्विस में है, इन तीन कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो को देख लिया समझिएगा, ठीक है। हिस्ट्री वाला यदि आप जेआरएफ कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, या फिर टीचर्स इंचार्ज टीचर्स फैकल्टी में हैं, कुछ समय से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए सूचना आई है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए कि कब आपकी काउंसलिंग और इंटरव्यू होना है। सबसे पहली बात है 10 सितंबर 2021 यानी कि एक ही दिन शेष है 9 सितंबर का। 10 सितंबर को आपकी काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू होना है, काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, आपकी काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। गूगल मीट पर आपकी काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू होगा। अगली चीज, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के वह बच्चे जो नेट क्वालिफाई हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नहीं है, जेआरएफ नहीं है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसको लेकर नोटिफिकेशन में कोई डिस्कस नहीं किया गया है। अगली चीज कि जिस भी डिवाइस से आप अपना इंटरव्यू देंगे, काउंसलिंग देंगे, चाहे फ़ोन है, चाहे लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे अप्लाई करते वक्त, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो भी थे, उन सब को सेव करके रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट में, फ़ोटो खींच कर आपसे स्क्रीन शेयर करके उनको देखा भी जाएगा, पूछा भी जाएगा, वही आपकी काउंसलिंग है और इंटरव्यू में आपसे सवाल जवाब होंगे। 10 सितंबर समय आपको शायद नहीं बताया, समय है सुबह 10 बजे, सॉरी समय है सुबह 10:30 बजे का। 10 सितंबर सुबह 10:30 बजे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और टीचर्स फेलो हैं, उन सबका इंटरव्यू प्लस काउंसलिंग इस डेट को रखा गया है। अगला डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मेरे स्क्रीन पर जो मैं देख पा रहा हूँ, गलती से गलती ना हो जाए, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी ध्यान देंगे, आप लोगों की काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू जो भी होगा ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन रखा गया है। हिस्ट्री का ऑनलाइन है और ये कंप्यूटर साइंस का ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में, वहाँ आपकी काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू होगा। अगली चीज, डेट से पहले डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं। ऑन द स्पॉट आपको जाना होगा अप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अप्लाई किया था, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट यदि कोई फेलोशिप प्राप्त है उसका सर्टिफिकेट, यदि किसी कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट, एनओसी लगाना है आपको ज़रूरी, एनओसी हिस्ट्री वालों को भी लगाना है, कंप्यूटर साइंस को भी, जो बच्चे जॉब में हैं अप्लाई करा है तो एनओसी आपको लगाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट से, अपने डिपार्टमेंट से, अपने संस्थान से, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, और वेरीफाई होना चाहिए एनओसी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उन नोटिफिकेशन में एक लिस्ट दी गई है एक पेज की, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है इंटरव्यू के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू की डेट है आप लोगों की 10 सितंबर 2021, और समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, सॉरी 15 सितंबर, गलती हो गई, 15 सितंबर है, समय सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक। कंप्यूटर साइंस के बच्चों की 15 सितंबर है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की 10 सितंबर है, ठीक है, याद रखिएगा।
और कंप्यूटर साइंस के बच्चों को एक एनओसी का लगाना है, मैंने आपको बताया था। एनओसी के फॉर्म का प्रिंट आउट पीडीएफ फाइल के रूप में नीचे अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा उसको देख लीजिएगा। अभी तक वेबसाइट पर इन्हीं दो डिपार्टमेंट की सूचना आई है 7 सितंबर की डेट में, आज नहीं यानी कि 7 सितंबर को इन्हीं दो डिपार्टमेंट की सूचना अभी आई है, पीएचडी इंटरव्यू प्लस काउंसलिंग को लेकर। अन्य की सूचना नहीं आई है, इसीलिए अन्य किसी विभाग के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। ना ही आप सवाल कीजिएगा, वेबसाइट चेक करते रहिएगा। मेरे चैनल पर वीडियो देखना है तो वीडियो को देखते रहिए, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा, तभी आपके पास जाएगा नए वीडियो का नोटिफिकेशन। और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना है बेशक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। परिवार और पुस्तक दोनों के जितना पास रहेंगे उतना आप उनसे सीखते रहेंगे। धन्यवाद।